जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बयान पर फिर उठाए सवाल। निष्पक्ष परिसीमन करवाने के बाद ही चुनाव करवाने पर दिया बल। मौसम के मिजाज फिर बिगड़ने से कश्मीर घाटी में फिर बड़ी ठंड, बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक। जम्मू सूबे में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहावना। सेवा टू पावर स्टेशन माशपका में बिजली उत्पादन फिर से हुआ शुरू। चुनौतीपूर्ण कार्य पूरे होने पर उत्पादन क्षमता बहाल। सितंबर 2020 में भूस्खलन से बही थी भूमिगत हेड रेस टर्नल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के कुछ महीनों के ही बाद चुनाव करवाए जाने के केंद्र सरकार के बयान से कांग्रेस पार्टी खुश नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में हो चुकी हो क्योंकि कई खामियां हैं, लिहाजा पहले इन खामियों को दूर करना किया जाना चाहिए और उसके बाद ही चुनाव होने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार आए दिन ऐसे बयान दे रही है जिनसे विश्वास बहाली बेहद मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में लोगों की मंशा के मुताबिक ही निष्पक्ष तरीके से परिसीमन करवाकर उसके बाद ही चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। रविन्द्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को भी जल्द बहाल करने की भी जरूरत पर बल दिया। कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया गया है और अपने तरीके से अपने ढंग से उनको तोड़ा मोड़ा गया। कोई पैरामीटर्स नहीं देखे गए, पब्लिक कन्वीनियंस नहीं देखी गई, फिजिकल फीचर्स नहीं देखे गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं देखी गई, पॉपुलेशन और एरिया का कम्पैक्टनेस को नहीं देखा गया। तो इस तरह से नजर आता है जिसके ऊपर बहुत बड़ा रोष है और रोष होगा जब पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी और फिर वो कहते हैं डिलिमिटेशन होगा, उसके 6-8 महीने के बाद चुनाव होंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि गोलमोल बात करने से विश्वास बहाली नहीं होती। सरकार रोज जो है ऐसे काम करती है कि विपक्ष की सिक्योरिटी बिल्डर, विपक्ष के टॉप लीडरशिप खास करके कांग्रेस पार्टी उधर चुनाव की बात भी करती है। हमने 2019 के बाद फौरी तौर पर जब यहाँ खुला था तो हमने कहा कि आप चुनाव करवाइए और लोगों की मंशा देखिए, जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाए, लोगों को वंचित नहीं करना चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द डिलिमिटेशन हो, निष्पक्ष हो, लोगों की मंशा के मुताबिक पैरामीटर्स के दायरे में हो और उसके बाद यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया बहाल की जाए, स्टेट के दर्जे को बहाल किया जाए और चुनाव हो। जिसको बहुमत मिलता है, बहुमत मिले और सरकार बने, लोग चेंज और बदलाव के मूड में हैं इस सरकार के, लेकिन जो भी लोगों का फैसला वो मंजूर होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। बर्फ की सफेद चादर ने एक बार फिर कश्मीर की वादियों को अपने आगोश में ले लिया है। गुलमर्ग में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से घाटी को ठंड की चपेट में ले लिया है। गुलमर्ग में बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देश विदेश से कश्मीर घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का पूरा आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू के सूबे में भी मैदानी इलाकों में भी आज बादल छाए रहे और शाम को हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग की माने तो कल यानी बुधवार को भी मौसम के मिजाज बिगड़े रहेंगे और वीरवार से राहत मिलने की उम्मीद है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमको तो लगा था ऐसा स्नोफॉल सिर्फ यूरोप या अमेरिका में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत में भी ऐसे इतनी खूबसूरत जगह है जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब शायद मैं अपने गांव जाके पूछूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि ये इंडिया है, तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट हम पहली बार जब आए तो हमको भी यकीन नहीं था कि इस टाइम पे स्नोफॉल होगा करके, लेकिन जब हमको वेदर रिपोर्ट से पता चला जिस दिन हम गुलमर्ग जा रहे हैं उसी दिन स्नोफॉल हो रहा है, वो बात सुन के बहुत खुशी हुई। और इनफैक्ट हम बहुत एक्साइटेड है, हमारे शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप है और पहले ट्रिप में हमको स्नोफॉल देखने को मिला। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए और इसका मजा। जैसे इन्होंने बताया, ये एक्चुअली हमने कभी देखा नहीं है स्नोफॉल या स्नो, लाइक मेरी जिंदगी में कभी देखा नहीं है, तो आई रियली एंजॉय दिस। एंड मैं बस ये कहूँगा कि सही लोग के साथ आए और सेफ रहे, क्योंकि ज्यादा एडवेंचरस ना बने और बस सब, हाँ बस सब
सेफ रहे और सही लोग के साथ आए ताकि जिनका इसका समझ हो। इसका मेन एक्टिविटी जो होगा, जो भी होगा, वो आज रात को होगा, यानी कि 22 की रात को होगा। दरमियाने दर्जे की बारिश होने का संभावना है। बारिश मैदानी इलाकों में भी रात में, आज श्रीनगर में हल्की बर्फ भी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा बर्फ नहीं है। तो पहाड़ी इलाकों में जैसे जोजिला या पीर पंजाल हो गया, गुलमर्ग, उस साइड में थोड़ा आधा फुट तक भी बर्फ होने का इम्कान है आज रात और कल के बीच में। कल भी मौसम ओवरऑल रहने का इम्कान है, यानी 22-23-24 से फिर मौसम अमूमन ठीक हो जाएगा। जी, यही है। देखिए आज और कल तो, आज खास करके आज दिन और आज रात के लिए ये इंटेंसिटी बारिश का या बर्फ का इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा अभी जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वहां पे थोड़ा डिस्टर्बेशन भी आ सकता है। वैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप जब भी, मेरा तो यही है कि जब भी कोई पैसेंजर्स या जो श्रीनगर जम्मू के जो पैसेंजर वगैरह है, तो कंसर्न महकमा, ट्रैफिक महकमा से ही आपके अपने कन्वीनियंट के लिए, सेफ्टी के लिए उनसे पता करके ही, रोड का स्टेटस पता करके ही चलना चाहिए। फिर आज 22-23 को ऐसा ही है, फिर 24 से मौसम अमूमन ठीक रहेगा एंडिंग तक। बीच में एक जो जगह पे हल्की फुल्की बारिश हो भी सकता है, लेकिन हेवी स्नोफॉल का कोई फोरकास्ट नहीं है आज रात को छोड़ के। एनएचपीसी के 120 मेगावाट सेवा टू पावर स्टेशन माशका में बिजली उत्पादन का कार्य पुनरारंभ कर दिया गया है। सितंबर 2020 में भारी भूस्खलन से भूमिगत हेडरेस टर्नल का एक बड़ा हिस्सा बह गया था, जिसकी वजह से जनसंचालन प्रणाली में बाधा उत्पन्न हो गई थी। यही वजह है कि 720 मीटर लंबे बाईपास HRT का निर्माण कार्य आवश्यक हो गया था। यह चुनौतीपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसके बाद पावर स्टेशन को उसकी उत्पादन क्षमता में बहाल कर दिया गया। एनएचपीसी के बनीखेत रीजनल ऑफिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार जैन ने बेहद गंभीर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बिजली उत्पादन को बहाल करने के लिए सेवा टू टीम की सराहना की है। ये सेवा टू पावर स्टेशन NHPC के 22 पावर स्टेशन में से एक पावर स्टेशन है जो 120 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। ये सवा साल पहले जियोलॉजिकल रीजन से हेडरेस टनल में डैमेज होने के कारण बंद हो गया था, जो एक सवा साल से काम करने के बाद आज इस प्रोजेक्ट को हमने दोबारा से कमीशन किया है। कितने लंबे अरसे के बाद सर फिर से काम शुरू? ये लगभग सितंबर 2020 में डैमेज हुआ था, हमें लगभग एक साल लगा इस सुरंग को जो डैमेज हुई थी उसको मरम्मत करके दोबारा से काम शुरू करने के लिए। सारा काम कंप्लीट करने के बाद एक हफ्ता पहले लगभग टनल में पानी भरा गया और आज से इससे जनरेशन स्टार्ट की। आजादी के 75 वर्षों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को जम्मू में भी आज एक मंच पर दर्शाया जा रहा है। जम्मू में चिन्हित देश में चिन्हित की गई 75 जगहों पर आज से 28 फरवरी तक एक महोत्सव शुरू किया गया है और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी इनमें से एक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज इस महोत्सव का उद्घाटन किया। किसानों की मेहनत के सही दाम देने के लिए कठुआ में कृषि विभाग की पहल बेहद कारगर साबित हो रही है। कृषि विभाग द्वारा कठुआ में खोले गए काउंटर पर जहां रासायनिक खाद के बिना उगाई गई सब्जियों को खरीदा जा रहा है, वहीं पर हाइब्रिड बीज की भी बिक्री की जा रही है। इस काउंटर पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और ये किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। खास बात यह है कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए किसी विलोचनीय की जरूरत नहीं है। फायदा मिल रहा है सर, एग्रीकल्चर का बहुत बहुत धन्यवाद सर डिपार्टमेंट का, इन्होंने यहाँ पे हर तरह की पनीरी मिल रही है सर,
पहले हमें कहीं आगे पीछे जाना पड़ता था सर, अब जब से ये शॉप खुली है तो बहुत लाभ मिल रहा है सर, जितने भी किसान हैं बहुत बेनिफिट मिल रहा है सर उनको। अभी तो यहाँ सिटी में खुली हुई है, ऐसी अगर शॉप पे कहीं गांव में आगे पीछे खुल जाए तो बहुत इसका लाभ मिल सकता है किसानों को, फार्मर्स को। उसके दाम अच्छे नहीं मिलते, उसके दाम उनको अच्छे मिलने चाहिए, और डायरेक्टली मार्केटिंग का एक इनिशिएटिव है और इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह और लोकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं जो हमारे किसान उगाते हैं और बिना फर्टिलाइज़र के उगाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र के बगैर उगाते हैं, ऑर्गेनिक वे से उगाते हैं। उनकी मार्केटिंग के लिए ये हमने एक काउंटर खोला हुआ है और मोस्टली हमने जो अपने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं हर पंचायत में, उनको इस काउंटर के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि उनको मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी काउंटर के माध्यम से हम जो हाइब्रिड वेजिटेबल सीड हैं, हाई एंड वेजिटेबल सीड हैं, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि फार्मर्स में काफ़ी उत्साह है और काफी लोग इस इंक्वायर कर रहे हैं, आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। उधमपुर स्थित शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्काउट्स एंड गाइड्स का कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन आज जिले के डीसी इंदु कंवल चिब ने किया है। और डीसी ने स्काउट्स एंड गाइड्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस कार्यालय के यहां खुलने से बच्चों के चरित्र निर्माण में बेहद मदद मिलेगी। मगर समाज को बनाने के लिए ये छोटे छोटे जो चीजें हैं कि बच्चों का दिमाग कैसे चेंज करना चाहिए, स्काउट्स एंड गाइड्स क्या होता है, एनसीसी क्या होता है, इन चीजों पे अगर हम काम करें तो वो बड़ी अचीवमेंट कहीं दूर नहीं है। हम लोग बड़ी अचीवमेंट पे आई करते हैं तो सारा टाइम फेल हो जाते हैं। स्काउट्स एंड गाइड्स का एक छोटा सा ऑफिस, ये इन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से प्रपोजल था और प्रिंसिपल जो है यहाँ स्कूल के, उन्होंने हमें ये भेंट इनकी तरफ से है, सुनील जी की तरफ से। हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि हमने एक चिट्ठी लिखी है इनको और कुछ नहीं। बट माय ओनली कंसर्न इज, मैं इन लोगों को बोल रही हूं कि ये जो छोटा सा कमरा इनको मिला है, इस कमरे में से ना वॉल्कनो ऑफ आइडियाज निकलने चाहिए। इतने आइडियाज, इतना अच्छा समाज, इतने अच्छे सिटीजन इस कमरे में से निकले, तब फायदा है कमरा देने का। सो ये छोटे छोटे इवेंट्स मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूं कि और भी कोई ऐसा इदारा है जो कि हमारे समाज के उसूलों को और कैरेक्टर पे हिट करता है। ये हमारे कैरेक्टर पे हिट करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग में स्काउट्स एंड गाइड्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सो आई वुड वर्क ऑन दोज आइडियाज। उधमपुर में सोमवार को एक फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद आरसपुरा में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। आरसपुरा पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट पर चल रही चार गाड़ियों को जब्त कर दो लोगों को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मामले की तह तक पहुंचने के बाद ही पुलिस इस पर कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या का मामला देशभर में तूल पकड़ता जा रहा है। देशभर में के राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज बजरंग दल की इकाइयों ने प्रदर्शन कर कर्नाटक सरकार के पुतले फूंके और हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। बजरंग दल का कहना है कि ये हत्या सहने योग्य नहीं है और अगर इस पूरे मामले की जांच ना करवाई गई तो देश भर में हिंदू समाज सड़कों पर उतर आएगा। हमने कर्नाटक सरकार का पुतला फूंका है कि जिस प्रकार से हर्षा नाम के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, हम आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए लगातार हिंदू समाज में लगातार जो है टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है। जो व्यक्ति जो है थोड़ा सक्रिय होता है उसके ऊपर हमला हो जाता है। हम केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हर्षा के हत्यारों को
सामने लाया जाए, अरेस्ट किया जाए और इसके पीछे कौन कौन है, किसकी किसी किसकी साजिश है। लेकिन जिस प्रकार से इस कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई है यह सहने योग्य नहीं है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, कर्नाटक सरकार से अपील करते हैं कि उन दोषियों को सामने लाया जाए, उन संगठनों को सामने लाया जाए जिनके जरिए यह पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में हिंदू समाज जो है वो सड़कों पर उतरेगा, इसका गंभीर परिणाम जो है वो केंद्र सरकार को और कर्नाटक सरकार को भुगतने पड़ेंगे। से पूरे देश भर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि कल कर्नाटक के अंदर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई चाकू मारकर। आज बजरंग दल सड़कों पर उतरा है, उसका उग्र प्रदर्शन कर रहा है और हम केंद्र सरकार और कर्नाटक की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर उन दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर उतरेगा और उसका धरना प्रदर्शन और इसका कहना केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर गए स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजरों के समर्थन में मुलाजिमों ने भी आज कामकाज ठप रखकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुलाजिमों ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन इन डेलीवेजरों से भले ही दिन रात काम ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डेलीवेजरों की सुनवाई ना हुई तो पक्के मुलाजिम भी कामकाज अनिश्चितकाल के लिए ठप करने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार को इनकी सुनवाई करनी चाहिए लेकिन हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब काम लेना पड़ता है तो आधी रात को भी जो हमारे ऑफिसर साहबान इनको इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली बेजर, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है, सफाई कर्मचारी है या कोई चौकीदार है, उसको कहते हैं कहाँ भाई वहाँ जा भाई, मेरी बिजली खराब है, मुझे हमारे वो फलाने ऑफिसर को यह परेशानी हो गई है। स्टेट डिपार्टमेंट काम करके ये अपनी पोस्टिंग में नहीं करते हैं हमारे जो ऑफिसर साहबान है, लेकिन इनकी तरफ जो इनकी सर्विस ड्यूटी लाज करता है इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये बेचारे इनको आज 28 साल, किसी को 30 साल सर्विस हो गई है और इनके बाल बच्चों की हालत भी बड़ी खराब है। मेरी सिफारिश से सरकार से यही गुजारिश है कि जो डेड लॉक है इसको तोड़े, इनके मसले हल करें और टेबल टॉक पे आ जाए, वरना जो ठीक नहीं रहेगा। रेगुलर मुलाजिमों की समस्या है, ये रेगुलर मुलाजिम से बड़े परेशान है, हेल्परों का मसला है। हमारी सरकार से गुजारिश है कोरोना मसला हल करो, वरना रेगुलर मुलाजिम है वो भी इनका साथ देगा और जिसके लिए आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हीना शफी भट्ट ने लोगों से बोर्ड द्वारा जनहित में शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। जम्मू में आज बोर्ड के कामकाज का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बोर्ड ने तमाम चुनौतियों व विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले 3 सालों से अपने लक्ष्य को बखूबी हासिल किया है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वो एक कदम आगे बढ़ाकर बोर्ड की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। इंडस्ट्री बोर्ड 3 साल से बहुत ही अद्भुत काम कर रही है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। हमारी स्कीम्स क्या है, हमारा काम क्या है, ये लोग जब तक जानेंगे नहीं हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे। बहुत ही अद्भुत तरीके से खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने 400% ऑलरेडी टारगेट अचीव किया है, तो मेरी आपके माध्यम से हमारे अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनसे आग्रह करती हूं कि वो कदम बढ़ाएं और खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड उनका साथ देने के लिए शाना बशाना खड़ी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर यूटी को टारगेट लेस रखा है, मींस आप कितना भी काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ है, तो ये अभी सही प्लेटफॉर्म है, सही मौका है यूथ को कुछ करने के लिए, सही राह पे चलने के लिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के अपने संकल्प को दोहराया। युवा मोर्चा ने देश के संसद द्वारा दिए गए संकल्प का भी हवाला देते हुए कहा कि पीओजेके को हर हाल में दुश्मन मुल्क से के चंगुल से मुक्त करवाया जाएगा और ऐसा कर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की जाएगी। युवा मोर्चा ने जम्मू में आज एक संकल्प रैली के जरिए इस प्रतिबद्धता को दोहराया। भाजपा के मुख्यालय में आयोजित इस रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और युवा मोर्चा के राज्य प्रधान अरुण प्रताप प्रभात सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। युवा मोर्चा ने आज संकल्प रैली का एक आह्वान किया था
क्योंकि आज के दिन ही 22 फरवरी 1994 को इस भारत की संसद ने एक रिजॉल्व किया था कि जो 1947 की वो काले दिन जब हमारी माताओं बहनों को, हिंदुओं को, सिखों को और देशभक्त मुसलमानों को जब यहां पर मार करके पीओजेके का जो हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, उसको पाकिस्तान की आर्मी ने लपेटने का काम किया, उस पर अधिकार जमाने का काम किया, उसको 1994 को हमारी संसद ने एक मत के अंदर रिजॉल्व किया था कि वो भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और उसको हम लेकर के रहेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उसी संकल्प को फिर से दोहराने के लिए, उसको आने वाली जनरेशन तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आज ये एक मत में संकल्प लिया है। और हम भी जब बाहर कहीं जाते हैं तो सबका मानना है कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने एक विल पावर का प्रदर्शन किया है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे ऐसे नामुमकिन विषयों के ऊपर कदम उठाना हो, तो अगर ये वाला काम कोई कर सकता है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। सभी की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी से हैं और मैं ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि ये संकल्प जो उस समय के संसद के अंदर जो भारत के जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे संसद ने, माननीय संसद ने लिया था, उसको जरूर पूरा होगा और उसको पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी जरूर कदम उठाएंगे। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।